दुनिया में ऐसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है जिनको लोग आज भी जानते हैं, आज भी उनका नाम लेते हैं। कि कई विद्वान ऐसी बात कहकर गए हैं जो आज तक सच साबित हो रही हैं, जिनको हम भविष्यवाणी कहते हैं। अब जब भविष्यवाणी का नाम आ ही गया है तो नास्त्रेदमस का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नास्त्रेदमस का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि साल खत्म होने को है और लोगों के अंदर बड़ी बेताबी रहती है कि नया साल कैसा रहने वाला है, मतलब अगले साल क्या क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि अगले साल कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। तो ऐसे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर नजर डाली जाती है जिन्होंने 2024 को लेकर भी भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस ने आने वाले साल को लेकर कुछ भविष्यवाणी की थी जो काफी वक्त से चर्चा में है। दरअसल फ्रांस के इस मशहूर भविष्य वक्ता ने अब तक जो भी भविष्यवाणी की है उसमें से कई सच साबित हुई हैं। जैसे अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जान लेना, जर्मनी में हिटलर का उदय, साल 2023 में बीतने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, और रूस यूक्रेन संकट की और इसराइल और हमास की जंग के बीच अब दुनिया के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगला साल कैसा होने वाला है। अगले साल यानी 2024 को लेकर नास्त्रेदमस ने कुछ भविष्यवाणी की थी जो इन दिनों चर्चा में है। तो आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 की भविष्यवाणी में किसका जिक्र किया गया है। नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में दुनिया नौ सैनिक युद्ध की गवाह बनेगी, लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भयभीत कर देगा, यानी महासागर में तांडव होगा। अब इसको लेकर लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, जैसे कुछ लोग लाल रंग का मतलब चीन से निकाल रहे हैं क्योंकि चीन का झंडा लाल है, वहीं नौ सैनिक युद्ध का मतलब ताइवान द्वीप के साथ चीन का युद्ध हो सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में रूस यूक्रेन इसराइल हमास के साथ जंग हो रही है। नास्त्रेदमस की माने तो इस बार युद्ध महासागर में होगा। साथ ही भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में एक नाटकीय घटना हो सकती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक आइजल्स के किंग को बलपूर्वक निकाला जाएगा। इस बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ किंग चार्ल्स तृतीय की बात हो रही है। ये भी कहा गया कि एक विनाशकारी जंग के बाद नए किंग का राज्याभिषेक होगा जो लंबे वक्त तक राज करेगा। यहाँ प्रिंस विलियम के बजाय प्रिंस हैरी के राज सिंहासन पर बैठने की संभावनाएं जताई गई हैं। जाहिर है कि नास्त्रेदमस को उनकी मशहूर किताब लेस प्रोफेटीज के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। नास्त्रेदमस का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। पेशे से वो एक शिक्षक और डॉक्टर थे। 1566 में उनका निधन हो गया। उन्होंने 6000 से ज्यादा भविष्यवाणी की थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।